क्या नाम है मैडम? मेरा लीलावती देवी नाम है। कहाँ से आई? रामगढ़ जिला से। अच्छा, क्या बदलाव करने के लिए इस बदलाव संकल्प सभा में पहुँची? जैसे कि अभी मैया सम्मान योजना लागू किया, अभी वोट है अक्टूबर में, इतना दिनों का सैया योजना कर रहा था, वो काहे ने योजना लागू किया उस समय, जब देखा कि वोट का समय था, मैया योजना लागू कर दिया, और 5 साल से वो क्या कर रहा था, अब पुलिस दौड़ाई में लड़का लोग का क्या किया, 11 लोगों का जान कैसे चल गया, 11-12 बच्चा हो गए, क्या बोलते कि सदन में क्या बोलते मुख्यमंत्री जी, नहीं हम बकरी पालो सुअर पालो, अरे भाई सुअर पालो बकरी पालो, एडुकेटर होकर वो लोग पालन करेगा, उसका बेटा बेटी का नहीं बोलते हैं। हाँ, मेरा बेटा अभी इतना अच्छा खासा नंबर डिग्री हासिल किए, क्या हम उसको बोलेंगे बेटा सुअर पालो बोल के? वैसे नहीं होना चाहिए। एक आदिवासी लोगों को आदिवासी को भ्रुवक बना रहे, हम क्या बोलेंगे दूसरों कम्युनिटी को तो भ्रुवक बना रहे, हम आदिवासी लोग भी उन लोगों को वोट में राजनीति कर रहे हैं, वोट राजनीति नहीं करने दे रहे थे, बीजेपी और राजस्व वाले मिलकर जेल भेजवा दिया। जेल भेजवा दिया, अपने लूर नहीं रहेगा, चोरी करेगा तो जेल नहीं जाएगा। अच्छा, जमीन बेचेगा बालू बेचेगा सब बेचेगा तो नहीं जाएगा जेल, हम ही गलत काम करेंगे तो हमको जेल नहीं भेज देगा, बिना यदि गैर कानूनी के कोई जेल भेजता है। हेमंत सोरेन गलत काम कर रहे हैं तो नहीं कर रहा था, जमीन बेच दिया था सब आदिवासी लोग का, तभी जेल गया उसे। अभी हम लोग रांची के प्रभात तारा मैदान में मौजूद है और आज यहाँ पे आजसू का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, देख पा रहे होंगे कि पूरी लगभग सीट जो है सो भरी है, फिर उधर भी खाली है, मतलब प्रोग्राम जो कह सकते हैं सभा कह सकते हैं शुरू होने वाला है। और इस सभा का नाम आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा है, उसमें बहुत सारी महिलाएं दिख रही हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरह का संकल्प लेने के लिए इस सभा में आज यहाँ पे ये लोग पहुँची हैं। क्या नाम है? रेणुका प्राण। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार। कहाँ से आई हैं? सरायकेला जिला से। सरायकेला जिला से। क्या लगता है, ईचागढ़ विधानसभा? ईचागढ़ विधानसभा। क्या लगता है किस तरह का संकल्प लेने आज यहाँ पहुँची हैं आप? आज हम लोग जो बेरोजगार है, जो हम लोग आरसू पार्टी का जो सुदेशदा है, अगर उसका इलेक्शन आ रहा है, अगर इलेक्शन में सरकार बनेगा आरसू का, तो हम लोग का जो युवा है तो इसीलिए बेरोजगार के लिए वो क्या बोलते हैं उन लोग को डाटा बायोडाटा सौंपने के लिए आ जाए हैं। बायोडाटा सौंपने के लिए आ जाए हैं। क्या लगता है कितना का भीड़ हो सकता है आज का इस सभा में? लाखों का हो सकता है भीड़। लाखों का? हाँ। तब लगता है कि आने वाला समय में आजसू का झारखंड में फिर से महत्वपूर्ण भूमिका होगा सरकार बनाने में? होगा, कह नहीं, हम लोग होगा बोल के ही तो आए हैं ना सब एकजुट होकर। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महतो का चेहरा सुदेश जी थे बहुत बड़ा, और अभी एक और महतो का चेहरा उभर रहा है, तो टक्कर लगता है होगा? हाँ होगा, कह नहीं होगा, हम लोग पहले से ही है, वो तो नया अभी युवा है ना, तो पहले से ही सुदेश था हम लोग का युवा का नेता है आरसू का, तो कह नहीं होगा, हम लोग का पूरा मजबूत है तो मजबूत के साथ होगा। चलिए, क्या नाम है? अपर्णा महतो, ईचागढ़ विधानसभा। ईचागढ़ विधानसभा से किस लिए पहुंची है आज? आज यही हम लोग युवा लोगों का जो प्रोग्राम है, युवा लोगों का प्रोग्राम। हाँ, क्या लगता है बदलाव संकल्प सभा जो है इसमें क्या बदलाव लेने का प्रण लेंगे आप? लेने का बदलाव यही लेने का प्रण लेंगे कि जो हम लोग का युवाओं को जो अभी ग्रेजुएट बीएड करके जो घर में बैठे हुए हैं, उन लोगों को कुछ इसमें फायदा हो, आजसू पार्टी में जुड़ के नेता जीत के अगर हम लोग को कुछ आगे मतलब अपना हो जो बैठा हुआ है, वही पर प्राण लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? झारखंडी जोहार। सबसे पहले मेरा नाम है अबला मुर्मू, ईचागढ़ विधानसभा आए हैं, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट, हम जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष है। मेरा अपना परिचय देते हुए हम बोल रहे हैं, आज हम लोग का जो संकल्प सभा है, हम लोग का सुदेश महतो का जाए संकल्प सभा, हम लोग जितना भी युवा युवती आए हैं, एक बहुत तो उद्देश्य लेकर हम लोग आए हैं, जो कि इतना दिन से तो सब कोई को पता है कि सुदेश दा जो सदन में बहुत कुछ उठाते हैं कि बेरोजगार के लिए बात करते हैं, वो महिला लोगों की बात करते हैं, अभी जिसके महिला लोगों का विकास तो हुआ है, जो जेएसएलपीएस सबसे पहले तो जेएसएलपीएस जो दीदी लोग जुड़े हैं तो सुदेश दा का ही देन है, जो उन लोगों का गुंज परिवार से जो उन लोगों का देन है, जो संजीवनी पहले नाम था, तो अभी देखिए महिला लोगों का इतना सम्मान दिए दादा, आज पहले तो महिला लोग घर से नहीं निकलती थी, अभी देखिए निकल के अभी हम लोग सभा में भी आए हैं, अभी जनप्रतिनिधि भी बोल रहे हैं, वो तो सुदेश दा का ही देन है, और अभी देखिए सुदेश दा कहीं नहीं कहीं वो महिला को असम्मान नहीं करते, सम्मान रूप में रखे हैं, और अभी युवा लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी का जो सरकार वो तो ठगने का ही काम किया है। कैसे कह सकती हैं आप एक तो जिस सरकार को ठगने का काम कह रही हैं वो भी आपके कम्युनिटी से ही आते हैं, उनका भी सरकार है, तो कैसे मतलब बोल सकती हैं आप?
हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आदिवासी लोग का अभी तो हमको नहीं पता चल रहा है कि हमको भी नहीं पता है कि कितना तक डेवलप हुआ है। अभी आदिवासी देखिए आदिवासी का नाम से तो वोट लेते हैं लेकिन आदिवासी का डेवलप का ही नहीं। आप देखिए स्वास्थ्य देखिए, अभी कहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं मेडिसिन का उपलब्ध नहीं। ऐसे भी हम प्रमुख भी थे, प्रमुख अभी तत्काल प्रमुख भी है चांडिल प्रखंड से। हाँ, तो हम विजिट किए हैं सरकारी स्कूल, आप देखने के जाइएगा तो आप आँख से आंसू आएगा, इतना दिक्कत है सरकारी स्कूल, ना टीचर है, ना क्या, मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ना सरकारी में कुछ सुविधा है। आप अगर शिक्षा अगर नहीं दीजिएगा तो विकास कहीं नहीं होगा। सबसे पहले मेन बात है शिक्षा, शिक्षा हम लोग का क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा और रोजगार नहीं से हम लोग का विकास कहाँ होगा झारखंड। आप देखिए झारखंड होम कोरोना देखिए, आप शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं तो विकास नहीं होगा। और अभी देखिए सरकार 450 में क्या कर, अभी जैसे कि माया योजना लाया है, माया 1000 रुपया दे के क्या कीजिएगा। अभी इतना सरकार जो उससे पहले वादा किए थे तो वादा का खिलाफ वो काम किए हैं नहीं किए। 2000 रुपया चूल्हा खर्च बोले हैं, लाखों रोजगार देंगे लेकिन कहाँ। अभी देखिए इतना एडुकेटेड हो गए क्या, बोलते कि सदन में क्या बोलते मुख्यमंत्री जी, नहीं हम बकरी पालो सुअर पालो। अरे भाई सुअर पालो बकरी पालो, एडुकेटेड होकर वो लोग पालन करेगा, उसका बेटा बेटी का काहे नहीं बोलते हैं। हाँ मेरा बेटा अभी इतना अच्छा खासा नंबर डिग्री हासिल किए, क्या हम उसको बोलेंगे बेटा सुअर पालो बोल के, वैसे नहीं होना चाहिए। एक आदिवासी लोग को आदिवासी को बुड़बक बना रहे हम क्या बोलेंगे, दूसरों कम्युनिटी को तो बुड़बक बना रहे हम, आदिवासी लोग भी उन लोगों में वोट में राजनीति कर रहा है, वोट राजनीति करो और कुछ नहीं। चलिए और भी महिलाएं हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने का पते हैं कि कहाँ कहाँ से पहुँची हैं, सबसे बातचीत करते हैं, जा रहे हैं आपके पास भी जा रहे हैं। क्या नाम है दीदी? ललिता देवी। कहाँ से आई है? रामगढ़ जिला से। किस लिए आई हैं आज यहाँ? किस लिए आए हैं कि कुछ हम लोग को लाभ मिले, बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहे, पढ़ लिख के घर में है। अच्छा, तो इसलिए आए हैं कि कहीं लोकल में हस्बैंड सब बाहर में काम कर रहा है। अच्छा, तो सरकार से लाभ नहीं मिल रहा आप लोगों को? अब आवास फ्री में मिल रहा है, बालू फ्री में मिल रहा है, मैया सम्मान पेंशन योजना महिलाओं को मिल रहा है, ये सब तो नहीं मिला है अभी तक। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। चावल मिल रहा है लेकिन राशन कार्ड बना है लेकिन ये सब अभुआवास सब नहीं मिला है अभी। अच्छा, और भी चाची दादी लोग मम्मी लोग सब बैठे हैं बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? चाची अनीता देवी। कहाँ से आई हैं? रामगढ़ जिला से। हाँ। क्या बदलाव संकल्प सभा में? राशन कार्ड नहीं है इसलिए मंत्री के पास आए हैं। अच्छा, राशन कार्ड नहीं इसलिए मंत्री के पास आए हैं। हाँ, राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ योजना नहीं मिलता है, कुछ अति वाला कौन सी का पैसा वैसा मिलते हैं सब वाला नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है चाची आपका? लीलावती देवी। कहाँ से आई हैं आप? रामगढ़ जिला दुलमी प्रखंड से। क्या इस सभा में क्या करने आई हैं? आई है कुछ मांगने के लिए आई। कुछ मांगने के लिए? हाँ। तो सरकार घर घर में मैया योजना पहुंचा रही है, पैसा दे रही है अकाउंट में, वहाँ पे खुश नहीं है आप? हम लोग को मिला ही नहीं है, 50 से ऊपर के सुन रहे हैं कि नहीं मिले वाला है, इसलिए हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, क्या नाम है चाची आप? सुनीता देवी। कहाँ से हैं आप? रामगढ़ जिला दुर्मी प्रखंड से। क्या संकल्प लेने के लिए आज इस संकल्प सभा में पहुंची? संकल्प सभा में यही है कि अब बदलाव करेंगे। बदलाव करिएगा? बदलाव करेंगे। ये मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? नहीं, हम एक आशा कार्यकर्ता हैं, उसमें भी हम लोग का 2000 रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पर, और वो भी हमको सही से नहीं मिलता है। 2000 में आजकल क्या होता है, जो हम लोग का मांग है वो भी पूरा नहीं कर रहा है, सही से कोई चीज़ को हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग इस सरकार को बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए बदलाव करना। बदलाव जी, बदलाव। क्या नाम है मैम? मेरा लीलावती देवी नाम है। कहाँ से आई हैं? रामगढ़ जिला से। अच्छा, क्या बदलाव करने के लिए इस बदलाव संकल्प सभा में पहुँची? जैसे कि अभी वो मैया सम्मान योजना लागू किया, अभी वोट है अक्टूबर में, इतना दिनों का सैया योजना कर रहा था, वो काहे ने योजना लागू किया उस समय, जब देखा कि वोट का समय तक मैया योजना लागू कर दिया, और 5 साल से वो क्या कर रहा था? अब पुलिस दौड़ाई में लड़का लोग का क्या किया, 11 का जान कैसे चल गया, 11-12 बच्चा लोग का। मंत्री जी आपने दौड़ के देखे तो धूपा में इतना 10 किलोमीटर कैसा लगता है, बच्चा लोग का जान चल गया। उन लोग को दे मुआवजा, दे नौकरी दे, किसी का एगो बेटा है, किसी का वही सहारा था, कैसे मर गया। वो तो नौकरी दे रहे थे लेकिन उसको उसमें भी लोगों को मतलब राज नहीं आया, बोल रहे हैं कि सब मर रहे हैं, ये हो रहे हैं, कैसे योजना मिल रहा है, उसमें भी लोग नाखुश हैं। अब नाखुश क्या, वोट आया 2 महीना पहले मैया योजना दे रहा है, 5 साल से कहाँ सुतल था। वो तो आप लोग उसको काम नहीं करने दे रहे थे, बीजेपी और राजसू वाले मिल के जेल भेजवा दिए। हाँ, जेल भेजवा दिए। अपने लूर नहीं रहेगा, चोरी करेगा तो जेल नहीं जाएगा? अच्छा, जमीन बेचेगा, बालू बेचेगा, सब बेचेगा तो नहीं जाएगा जेल? हम ही गलत काम करेंगे तो हमको जेल नहीं भेज देगा? बिना गैर कानूनी के कोई जेल भेजता है? तो हेमंत सोरेन गलत काम कर रहे हैं तो नहीं कर रहा था, जमीन बेच दिया था सब आदिवासी लोग का।
तब जेल गया, उसे किया। अच्छा, क्या संकल्प लीजिएगा यहाँ पे आज? संकल्प लेंगे कि अच्छा, जब से जीता तब से हम लोग का बालू भी महंगा कर दिया है। एक रुपया में रजिस्ट्री होता था, महिला लोग का जमीन वो भी खत्म कर दिया, जीत भी खत्म कर दिया। तो क्या नाम है चाची आपका? रेणा देवी। कहाँ से आई है? रामगढ़ जिले से। क्या सोच करके आज इस सभा में पहुँची है? सोच के पहुँचे हैं कि हम लोग यहाँ एकजुट होकर अपने संकल्प को विवाह बनाएं और आगे जाएं और एकता जुट रह के और सब सभा को ले दे के चले। चलिए, और भी क्या नाम है दीदी आपका? सुचिता बाल। कहाँ से आई हैं? हटिया से। क्या क्या देखने, किनको देखने के लिए यहाँ पहुँची हैं? यहाँ जो आएंगे कुछ बताने के लिए बोला गया हम लोग को गांव से कि चलो वहाँ पे कुछ कोई कुछ लोग आ रहे हैं। वो लोग कौन लोग? कुछ लोग नाम वो पता है आपको? कोई सरकार लोग आ रहे हैं। सरकार लोग आ रहे हैं? सरकार तो सरकार बैठ के चला रही है, नहीं पता है दीदी को। क्या नाम है दादी? बासो देवी। कहाँ से आयल हो? बरिया से। अच्छा, की केकरा सुने खातिर आयल हो? हम नाम नहीं जानिए, सरकार का तो क्या बता दी। इस सरकार है, अब कौन है तो नेता है कि कौन है तो हम नहीं जानते। अच्छा, इसीलिए आए हैं? इसीलिए आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिना देवी। कहाँ से आई हैं? हम लोग होहो से आए हैं। क्या क्या सोच करके आई हैं? हम लोग यहाँ सोच के आए हैं कि बोल रहा था कार्यकर्ता सब कि चलो जुलूस है, तो हम लोग को बता ही नहीं है कि कार्तिक का जुलूस है इसे। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि मतलब झारखंड निर्माण संकल्प सभा है, आज संकल्प लेना है कुछ? हाँ, तो सर जी बोलेंगे तो लेंगे संकल्प, हम लोग आंसू पार्टी में है। अच्छा, चलिए और